हे गाइस, हाउ आर यू ऑल गाइस। एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। सीएमए वाले बच्चे हमारे बेचारे इतने परेशान, अब आपको पता है कि विद हेल्ड वाले बच्चों के रिजल्ट आने लगे, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे जो ये कह रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट नहीं आया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनका अभी विद हेल्ड का रिजल्ट नहीं आया, और बहुत सारे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर हमारा जबरदस्ती में विद हेल्ड करा था, हमने कोई भी चीटिंग नहीं करी थी। तो ये लोग तो सबका जिस जिसका भी विद हेल्ड है सबको फेल ही कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, है ना, और उनको डी बार कर रहे हैं, चीटिंग के आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर वगैरह वगैरह। बेटा नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक छोटी चीज दिखाता हूँ। अभी अभी एक बच्चे ने मेरे को भेजी थी शाम को, और मैं शाम को वीडियो नहीं बना पाया, मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था इवनिंग में। ये देखो, मेरे एक स्टूडेंट है सीएमए फाइनल का, वो पास नहीं हुआ, ये चीज ध्यान रखना, वो पास नहीं हुआ। वो ग्रुप थ्री में उसके पेपर दिए थे उसने ग्रुप थ्री के, वो ये कह रहा था कि सर मैं ग्रुप थ्री में पास नहीं होऊंगा। उसने खुद कहा था कि मैं पास नहीं होऊंगा। उसने हमसे ग्रुप थ्री की क्लास लगाई थी, सीएमए फाइनल की, पूरे ग्रुप थ्री की हमसे लगाई थी उसने। मगर वो ये कह रहा था कि सर मैंने चीटिंग नहीं करी थी, उन्होंने मेरा रिजल्ट विदहेल्ड कर दिया, मैं इनोसेंट था, मैंने कोई भी गड़बड़ी नहीं करी थी, और अगर ये लोगों ने पता चले मेरा रिजल्ट विदहेल्ड करने का, अगर मेरे को डिबार कर दिया तो क्या होगा सर, मेरे अगले दो अटेम्प्ट भी जाएंगे। तो ये देखो, तो सीएम इंस्टीट्यूट से क्या भेजा है, डियर स्टूडेंट योर विदहेल्ड रिजल्ट अंडर द रिपोर्टेड अगेंस्ट ऑफ दिसंबर 20 टर्म एग्जामिनेशन इज क्लियर। मतलब जो आपका जो विदहेल्ड रिजल्ट था उसे रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ, मतलब इस इंटरप्रिटेशन इसकी है कि जो उसको रिजल्ट अपने पास विदहेल्ड करा हुआ था वहां से क्लियर कर दिया, कि मतलब विदहेल्ड के दायरे से बाहर निकाल दिया। बाकी आप अपने रिजल्ट चेक कर लो कि आप पास हो या फेल हो, नीचे उन्होंने लिंक दे दिया। इसका मतलब जब उसने लिंक खोला था वो फेल था, लेकिन उसको विदहेल्ड की कैटेगरी से तो बाहर निकाल दिया ना, कम से कम उसको डिबार नहीं करा। तो इसका मतलब क्यों, क्योंकि वो इनोसेंट था, क्योंकि वो इनोसेंट था। इसका मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं, पहले पेंडेमिक का टाइम है, लोग नेगेटिव हो रहे हैं, तो इतना टेंशन मत लो, रे ऑफ होप है। और जिनका भी रिजल्ट नहीं आया विदहेल्ड का, आज या कल में आ जाएगा, परसों आ जाएगा, आ जाएगा। तो अपना दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, और भगवान पे भरोसा रखो और मेहनत करके पढ़ाई करते रहो। अगर गलत नहीं करा ना, तुम्हारे साथ गलत नहीं होगा, टेंशन मत लेना। गलत नहीं करा तो गलत होगा भी नहीं तुम्हारे साथ, जिनके साथ। और अच्छा, एक क्वेश्चन और बच्चे को उठ के आ रहा है कि सर जो लोग पास हो गए हैं क्या ये लोग उनको भी फेल कर रहे हैं क्या? नहीं, कि चीटिंग के आरोप लगाकर जो पास हो चुके हैं, अगर किसी ने चीटिंग करी थी और तो कैसे पास हो गया और उस टाइम पे नहीं फंसा, तो भाई वो खुश रहे, वो नहीं फंसा तो नहीं फंसा, उनको ये लोग फेल नहीं कर रहे हैं। ये जिनका विदहेल्ड करा था अगर उन्हीं को डिबार कर रहे हैं तो कर रहे हैं, जिनके ऊपर डाउट था, जो पहले ही निकाल दिए इन लोगों ने, अभी उनको स्पेशल पकड़ पकड़ के नोटिस नहीं भेजेंगे। कोई बच्चे बेचारे डर गए हैं जो इंटर में पास होकर फाइनल में आ गए थे, सर हम तो फाइनल में आ गए, कहीं ये लोग हमारे को नोटिस भेज के वापस इंटर में तो नहीं भेज देंगे? ऐसा नहीं होने वाला मेरे भाई, पढ़ाई करते रहो तुम लोग अपने फाइनल की। जो विदहेल्ड वाले हैं उनके साथ ही जो होना है वो होगा, है ना, पास होना है या फेल होना है, जो भी होना है वो उन्हीं के साथ होगा। तो मैं तुम्हें ये सब ये दिखा रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि सारे विदहेल्ड वालों को फेल कर रहे हैं, पास भी हो रहे हैं बच्चे, मतलब पास इन द सेंस कि विदहेल्ड की कैटेगरी से बाहर निकालकर इनोसेंट प्रूव करके छोड़ रहे हैं उनको, कि तुम अगर गलत नहीं थे तो वो चेक कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने विदहेल्ड करा था लेकिन अब छोड़ दिया। और जिनके पास अभी मेल नहीं आई है वो एक दो दिन में आ जाएगी, ठीक है। चलो, पॉजिटिव रहो और इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टाटा।